सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म एपिडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोनी के सिनिस्टर सिक्स मूवी के बारे में। इसके अलावा सोनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में। मॉर्बियस के पोस्ट का इस सीन ने एक सिनिस्टर सिक्स की मूवी को एस्टैब्लिश किया है सोनी के अंदर। तो आखिर आपको सिनिस्टर सिक्स के टीम के अंदर कौन से विलन्स देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। प्लस सिनिस्टर सिक्स से कौन सा स्पाइडरमैन फाइट कर सकता है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको सोनी के सिनिस्टर सिक्स मूवी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हूं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं 15,000 सब्सक्राइबर तो जल्दी पहुंच सकूं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मॉर्बियस मूवी के पोस्ट का इस सीन ने ये कंफर्म कर दिया है कि बेसिकली वल्चर और मॉर्बियस एक सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं सोनी स्पाइडरवर्स के अंदर। इसके अलावा मॉर्बियस का डायरेक्टर ने यह भी कंफर्म किया है कि मॉर्बियस की मूवी वेनम की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इस यूनिवर्स के अंदर एक स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। और ये स्पाइडरमैन मोस्ट प्रोबेबली एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होने वाला है, क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर है और टॉय मैग्वायर का स्पाइडरमैन वेनम वर्स के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि टॉय मैग्वायर के यूनिवर्स में ऑलरेडी एक वेनम एग्जिस्ट करता है और वो वेनम टॉम हार्डी का वेनम नहीं है। इसका मतलब सोनी के वेनम वर्स या स्पाइडर वर्स में सिर्फ एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट कर सकता है और वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, एके एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। और अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वेनम वर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि सोनी मोस्ट प्रोबेबली एक नए स्पाइडरमैन को कास्ट करना चाहती है फॉर देयर सिनिस्टर सिक्स मूवी, जो कि बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन है। और मोस्ट प्रोबेबली एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ही वेनम वर्स का स्पाइडरमैन होने वाला है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर भी बेसिकली सोनी ये चाह रही थी कि वो सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन कर सके। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में हमें बहुत सारे ऐसे हिंट्स मिले थे कि एक सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन हो सकता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। और आई थिंक सोनी इसी स्टोरी लाइन को आगे चल के फुलफिल भी करने वाली है, जहां पर हमें एक नया सिनिस्टर सिक्स देखने को मिलेगा, जिस सिनिस्टर सिक्स के अंदर करेक्टर्स लाइक वेनम हो सकते हैं, मॉर्बियस हो सकता है, वल्चर हो सकता है, क्रेवन द हंटर हो सकता है। इसके अलावा स्कॉर्पियन जैसे करेक्टर्स सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं सोनी के स्पाइडरवर्स के अंदर। मॉर्बियस के पोस्ट के सीन से हमें पता है कि वल्चर और मॉर्बियस तो सिनिस्टर सिक्स के मेंबर्स होने वाले हैं, और क्योंकि मॉर्बियस वेनम वर्स में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब टॉम हार्डी का वेनम भी सिनिस्टर सिक्स का एक मेंबर हो सकता है। इसके अलावा सोनी अगले साल क्रेवन द हंटर की मूवी निकालने वाली है, और क्रेवन द हंटर के रोल को एरन टेलर जॉनसन प्ले करने वाले हैं उस मूवी के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली एरन टेलर जॉनसन का क्रेवन द हंटर भी सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी होगी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वल्चर को उसका सूट और कहीं से नहीं बल्कि ऑस्कॉर्प बिल्डिंग से मिला है द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में हमें वल्चर का सूट और डॉक्टर ऑक्टोपस का सूट दिखाया गया था। अब मुझे पर्सनली लगता है कि जिस वल्चर के सूट को हमने मॉर्बियस के पोस्ट के सीन में देखा था, वो वल्चर का सूट सेम है जिस वल्चर के सूट को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के विलन्स जैसे कि हैरी ऑस्बॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन और राइनो भी वापस आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और ये दोनों लोग भी सिनिस्टर सिक्स के पार्ट हो सकते हैं। मॉर्बियस के एक ट्रेलर के अंदर हमें डेली ब्यूगल का एक सीन दिखाया गया था, और उस डेली ब्यूगल के ऊपर राइनो का ईस्टर एग था प्लस ब्लैक कैट का ईस्टर एग था। इसका मतलब ये कि बेसिकली सोनी राइनो करेक्टर को वापस लाने वाली है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर, और अगर राइनो फ्यूचर में वापस आता है तो राइनो भी सिनिस्टर सिक्स का एक मेंबर हो सकता है। प्लस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिनिस्टर सिक्स के सारे मेंबर से सिर्फ एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन लड़ेगा। भले ही सिनिस्टर सिक्स का फॉर्मेशन एंड्रू गारफील्ड यूनिवर्स में होगा, पर सिनिस्टर सिक्स से लड़ने के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और टॉय मैग्वायर का स्पाइडरमैन भी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सोनी अपने यूनिवर्स के अंदर एक मैडम वेब का प्रोजेक्ट भी ला रहा है। और बेसिकली एक बार जब मैडम वेब का करेक्टर सोनी के स्पाइडरवर्स में आ जाएगा तो सोनी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन्स को दिखाना, क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स के अंदर भी मैडम वेब की करेक्टर बहुत सारे स्पाइडर पीपल का हेल्प करती है टू ट्रैवल बिटवीन द मल्टीवर्सेस। इसलिए आपको फ्यूचर में एक फुल फ्लेश्ड सिनिस्टर सिक्स मूवी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड और टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है। तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।